सोच रहता है, अगर सोच रहता तो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं आज जितने काम किए हैं उनको समझदारी होनी चाहिए कि इतना काम हम 70 वर्ष या 10 वर्ष लगातार रहने के बाद भी नहीं किए, तो ये सोच से उन भाषण देना चाहिए था। क्या चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे जो भी वहाँ पार्टी में मिला हुआ है, वो एक जाति बहुत बड़ा अपनी ताकत को समझ रहा है कि हम जात का इकट्ठा करके हम कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार जात भी उनको नकार देगा। कर आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी सांसद रमा देवी। संसद में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जो कुछ भी हुआ, क्या लगता है सही है? कांग्रेस के नेता जो महिला जो विधायक हैं, वह तो बिहार में काफी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को किस करना होता तो 50 साल की बुढ़िया को करते। नहीं नहीं, इस तरह की बातें तो हुई है, इसमें सत्यता है कि अगर वो इस तरह का बात भी जो करते हैं तो लगता नहीं कि विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनको बोलने भी आज तक नहीं आया तो उसको क्या कहा जा सकता है। उनके विषय में हम लोग तो ऐसे संस्कारहीन आदमी जो इस तरह की बातें कर जाते हैं, दिल की बात कहते हैं, यहाँ लाखों लोग किस स्थिति में हैं उनको नहीं समझ में आता है। अपनी जो बात बोलना चाहिए, सदन में क्या बोलना चाहिए, उनको बोलने के लिए भी समझाना पड़ता उस पार्टी के जो हैं। और वहाँ पर तो हमारी सोनिया जी भी बैठी हुई थी जिस समय वो भाषण दे रहे थे, और मैं थपथपा रही थी, लगता था कि कितना वो दिल की बात गहराई से कर रहे हैं, क्या कितनी उपस्थिति रहती है, कितना सोच रहता है। अगर सोच रहता तो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं आज जितने काम किए हैं उनको समझदारी होनी चाहिए कि इतना काम हम 70 वर्ष या 10 वर्ष लगातार रहने के बाद भी नहीं किए, तो ये सोच से उन भाषण देना चाहिए था कि हाँ बचा हुआ जो भी काम जो है हम लोग पूरा करेंगे। तो ये सोच नहीं है, ठीक पलटवार करने का आदत पड़ गई है कि जो सही बात है उसको झूठला दे, झूठा बोल दे। लेकिन जनता तब इतनी समझदार हो गई है कि उनकी सारी बात को समझ गई कि ये राहुल गांधी डुबा कर ही रखेगा अपना पार्टी को। एक सवाल अभी है कि जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लगता है सपना पूरा हो जाएगा? लालू यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने से हम प्रधानमंत्री बना के ही दम लेंगे। बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इसमें सोचने की बात नहीं है कि जब पार्टी को 26 पार्टी को बटोर बटोर के जमा करने का मतलब कि लोग कमजोर हो गया। कमजोरी ही निशानी है कि ये 10 जगह जाके गठबंधन कर रहे हैं, 10 तरह की बात कर रहे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी में क्या होता है, जनता का काम होता है। जो जनता का काम करने के लिए प्रधानमंत्री जितने काम किए वो सबको दिख रहा है। लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में मटेरियल है प्रधानमंत्री बनने का। अब तो मटेरियल तो है, तो जनता देख रही है ना। जब विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाया गया, आज कहे थे स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर बनाएंगे, आज जाइए नाला तो ऐसा हो गया है कि लोग मच्छर से खड़ा नहीं हो सकता है, बैठना तो दूर की बात, और कहीं कुछ कहाँ है स्मार्ट सिटी। हमारे बैठे हुए हैं अजय निषाद जी, पूछे कि स्मार्ट सिटी का अनाउंस हुआ कब्बे हुआ कैसा हो गया, लेकिन इतना भी नहीं काम हुआ कि आदमी कह सके कि हाँ ये बोले हैं तो हुआ। तीसरा, झूठ बोलने के लिए जगह बना लिया है, चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे जो भी वहाँ पार्टी में मिला हुआ है, वो एक जाति बहुत बड़ा अपनी ताकत को समझ रहा है कि हम जात का इकट्ठा करके हम कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार जात भी उनको नकार देगा। कितना दिन इनको ढोएगा, इनके परिवार को ढोएगा, बेटी को ढोएगा, दामाद को ढोएगा, किसको किसको ढोएगा? यहाँ काम के लिए वोट दिया जाता है, न कि इनके खानदान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पार्टी ये कह रही है कि परिवारवाद नहीं, देश के लिए जो सोचेगा उसी को कुर्सी पर बैठाया जाएगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए नीतीश कुमार को क्या? अब लालच अगर छूटेगा तब ना बनाएंगे। लालच तो प्रधानमंत्री के रात में सपना देखते होंगे, दिन में जग गए हों, चाहे रातें में जगते होंगे, तो उनको क्या कहा जाएगा? प्रधानमंत्री बनने की इच्छा तो सबको हो जाती है, तो ये जो भूत वाला बीमारी है वो लग गया है सबको। ये काहे ला बनाएंगे जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं? बस समझिए, जब तक बैठे हैं इनका खत्म हो रहा, अब न वो मुख्यमंत्री बनेंगे, अब प्रधानमंत्री तो बड़ी दूर की बात है।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी सांसद रमा देवी का, इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।